हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम सुबह सब जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज हम जा रहे हैं भुवनेश्वर। कहाँ जा रहे हैं मम्मी? भुवनेश्वर। तो ये बिहार का सबसे प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे भोले शंकर खुद ही प्रकट हुए थे। बाकी अब चलते हैं, दिखाता हूँ कैसा मंदिर है, क्या है। तो बने रहो व्लॉग के साथ, ये व्लॉग आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो पुल है गाइस, ये है अंग्रेज के जमानों का बना हुआ, नहीं भी तो कम से कम 80 साल पुराना ब्रिज है। देख पा रहे हैं आप, और दोनों तरफ अपने वो पुल की कंडीशन काफी खराब है। मलका फूल है क्या? तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने लिया लोटा, अभी इस लोटे में भरेंगे पानी कुएं से। तो यहाँ पे कोई नल सिस्टम नहीं है, आपको खुद ही कुएं से पानी भरना पड़ता है। फर्स्ट टाइम लाइफ में कुएं से पानी भरा है, तो भी भगवान के लिए देख पा रहे बिल्कुल ही एकदम। आ चुके हैं फिर हम भुवनेश्वर मंदिर में। तो दर्शन वगैरह आपने कर लिए भुवनेश्वर के, बाकी आप देख पा रहे हैं टीका वगैरह सब लगा लिया है। काफ़ी पुराना मंदिर है, प्राचीन मतलब नहीं भी तो आप मान लो 80-90 साल पुराना है। यहाँ पे भोले शंकर खुद ही प्रकट हुए थे, और आप देख पा रहे हैं मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वो पुराना है और वैसे ही बनाया गया है। तो यहाँ पर पानी भी आपको इससे कुएँ से खुद भरना पड़ता है, जैसे मैंने भरा था। बाकी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, मज़ा आया दर्शन करने में भी, और बहुत आराम से हमारे दर्शन हो गए हैं। हम बोलना चाहूँगे आप? बहुत अच्छा लगा, बहुत साल के बाद आई हूँ, कम से कम 20-25 साल के बाद आई हूँ। मैं तो लाइफ में पहली बार ही आ रहा हूँ।
हो पलना छे के भगवान जी के पलना लकड़ी के यही बनना है वो भी पलना नहीं मैं बनू महादेव क्या बना रहे हो भैया ये अच्छा ठीक तो दर्शन वगैरह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं तो सब लोग सुबह निकले थे बिना खाए ब्रेकफास्ट करे तो अभी भूख लग चुकी है तो रुके हैं छोटे से हटिया में थोड़ा सा छोटी शॉप है रेस्टोरेंट वगैरह होता नहीं यहाँ पे इसी टाइप की शॉप होती है खाने पीने की तो अभी हम खा रहे हैं लिट्टी बुच्छा चाय अपन खा के निकलेंगे घर की ओर क्या टेस्ट है सब खा रहे हैं सबको भूख लग रही है लिट्टी विट्टी हमने खा ली है ब्रेकफास्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है अब जा रहे हैं चाय पे उस शॉप पे तो चाय मिली नहीं अब चाय पीते हैं बस फिर दिखाते हैं आपको तो हम आ चुके हैं महाबलेश्वर मंदिर से बाकी बस अभी घर पहुँचेंगे और तभी मेरी बुआ आ रखी है मैं मिलवाता हूँ आपको तो गाइज ये मेरी बुआ है बुआ हाय बोलो मेरे व्यूअर्स को हाय बोलो चलो इंट्रोड्यूस कराता हूँ एक सबसे अनोखी मिठाई जो सिर्फ और सिर्फ बिहार में मिलती है जिसका नाम है खाजा दिखाता हूँ मैं आपको ये बिल्कुल एक तरह से फैनी लगती है वैसे चाशनी में डूबी हुई है आपको बिहार के अलावा कहीं और बहुत ही मुश्किल से मिलेगी तो जब खाता हूँ फिर मैं बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी मिठाई है मज़ा आ गया खा के ये मैंने कभी भी नहीं खाई ये सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली बिहार में ही मिलती है कहीं और शायद ही मुश्किल से आपको मिले है ना नहीं कैसी है मजा आ रहा खा के इस तरह से ये फैन है जो चाशनी में डूबी हुई है बिहार की स्पेशल मिठाई कैसी लग रही मम्मी मजा आ गया खा के आपको अच्छा तो कैसा लग रहा है खा के मजा आ गया फिर मैं आपको खा के मिलता हूँ खा जाओ बाकी मिठाई विठाई हमने खा ली है काफ़ी टेस्टी मिठाई थी ऐसी मिठाई तो मैंने आज तक कभी खाई नहीं मज़ा आ गया खा के मतलब लाइफ में पहली बार ऐसी मिठाई खाई है मैं तो आज तक फैन ही खाया था जो हम चाय में डूबो डूबो के खाते थे बाकी ये भी एक तरह से फैन ही थी जो चाशनी में डूबी थी काफ़ी टेस्टी लगी मैं तो एटलीस्ट 2-3 किलो पैक भी कराऊँ ताकि आराम से दिल्ली जाने के बाद मस्त खाऊँ बाकी आई होप आज का लोगों को पसंद आएगा जैसे कि मंदिर वगैरह गए भुवनेश्वर आपको दिखाया मैंने कैसा मंदिर है वो कितना प्राचीन मंदिर है लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए मैंने आपको यहाँ से अपने YouTube चैनल के थ्रू आपको वहाँ के दर्शन भी कराए आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें ओके गाइज बाय गुड नाइट